दिखाया आपने? नहीं, वो डॉक्टर वैसे जब डिलीवरी हुई थी सेकंड दूसरा बच्चा खत्म हो गया तो कह रहे पेट की वो 25 साल चिपक रही है, खत्म हो गया। डॉक्टर ने बोला हाँ 6 मिनट ले दो, तो डिलीवरी नहीं करवाएंगे, एक ही बेटा है बस। उसके बाद से दिक्कत शुरू हो गई फिर, तो कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं फिर उसके बाद को? पता नहीं, कभी कह रहे खुजली हो रखी है, कभी कुछ हो रखा है भाई, बस एक दो जगह आयुर्वेदिक इलाज कराया, हमदर्द में दिखाया, कहीं दिखाया तो बताइए। मेरे पास कौन सी बार आई है? छठी सातवीं बार। कुछ आराम है इसको? हाँ पहले से बहुत बेटर है। हाँ सारी बेटर हो जाएगी। इसका भी लेट नहीं चल रहा। क्या नाम है बताना? सिया 5G की। ये तो हॉटस्पॉट है। नहीं ये तो 5G चल रहा है। इसको छोड़ दे, वो चला के देख ले हॉटस्पॉट। ये वाईफाई लाइट लग रहा है कटा हुआ। छोड़ इसको, छोड़। बाकी बता था कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में बता रही थी, सर में बता रही थी। कहाँ है दर्द? सर में अभी इतना जोर का दर्द था। कहाँ दर्द है? ये दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मारूंगा खींच के, सारे जीवन भर दर्द ही रहेगी। घबराहट हो रही है? चुप हो, अगर चुप नहीं होगी तो ठीक नहीं होगी, ये बात लिख ले मेरी। चुप होके मेरे से बात करो। क्या नाम है आपका मैडम जी? रोते क्यों हो जी आप? रोने वाला कभी ठीक हुआ है जी? सिया जी रोने वाला कभी ठीक हुआ है जी? दर्द हो रहा है भैया। कहाँ दर्द हो रहा है? खून निकल आए? नहीं खून निकल आए हैं? अब बता पूरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मेरे को। अभी भी रो रही है? है वहाँ अभी? है हल्का सा है तो भारी सा कहाँ गया फिर? और कहाँ दर्द है? और कहाँ दर्द है? अभी क्या कर रही थी? कमर में हो रहा था? नहीं हो रहा अब, नहीं हो रहा कमर में, यहाँ है भैया। और पेट में था? कहाँ है? और यहीं कर इसको, यहीं कर। जब नहीं हो रहा है तुझे समझ में आ गया तो कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आंखों में देख मेरी में। थोड़ी सी भी घबराहट है? अब होगी। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। सभी लोग आप अपने व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को लिंक भेजिए अपने दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और साथ में परम पूज्य मनु भैया जी इतने बड़े घनिष्ठ और साध्य रोगों का निवारण कर रहे हैं आपके सामने। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बालों में कलर लगाया? एक बार लगाया था। हाँ सारे सफेद हो जाएंगे तेरे अगर तू लगाएंगे। अभी तेरे सफेद नहीं है ना, हर तेरे आदमी के हैं। इसी के लगवाती रहे, इसी को सफेद, इसी के काले करती रहे। ये तो गंजा भी होता आ रहा है। तुझे अपने आदमी की कोई चिंता है कि नहीं? इसके गंजा हो रहा है, तुम गंजेपन का कोई इलाज नहीं ढूंढा इसका? सरसों के तेल की मालिश कर हमारे शनिधाम की, इससे बाल बहुत जल्दी आते हैं। लगाते हो आप उसको? आप भी लगाते हो? हाँ देख लेना बाल आ जाएंगे सारे के साथ। अभी और 2 बार आएगी। पहले रात में सोते ऐसे लगा गेट में से ऐसे बैठी हुई और गेट में से एकदम से बहुत बड़े आदमी आए, बड़े मोटे, अच्छा आधे कपड़े पहने और आके डरा दिए। फिर कुछ कहा नहीं और चले गए। क्या थे? 2 थे। पहला बेटा हुआ काले थे दोनों। हाँ। ये साढ़े सती और ढैया थी। तेरे ऊपर शनिदेव की साढ़े सती और ढैया चल रही है। तू शनिधाम में आ रही है, ये बड़ी गनीमत बात है। आगे ना समझ में, ये दोनों एक साढ़े सती का स्वरूप था, एक ढैया का। ये दोनों साथ तभी आते हैं जब आपकी साढ़े सती और ढैया चल रही होती है। हंस के और चले गए, बोले कुछ भी नहीं। हाँ तो तू शनिधाम में आती है ना इसलिए, और दीपदान करती है ना इसलिए। साढ़े सती और ढैया कैसे चलती है देख लो, आके हंस के और चले गए। और मैं बता रहा हूँ तेरा, अगर वे आके हंस के नहीं जाते ना तो तेरे को जैसे ही दिखाई दिए ना वैसे ही तेरे घर में उल्टा होना चाहिए था, यानी कि नुकसान हो जाता है दिखते ही। ये बात लिख ले तू। इसलिए शनिदेव बड़े परम सुखद हैं, भक्ति को बहुत मानते हैं। इसलिए हर प्रत्येक आदमी को चाहिए कि कि वो भक्ति करे। इसलिए जब भी महादशा किसी पे आने वाली होगी ना, तो शनिदेव महाराज अकेले ऐसे देवता हैं जो पहले आपको एक काले स्वरूप का व्यक्ति दिखाएंगे, पतला सा, जो बहुत लंबा होगा और यानी कि वो मानवों की सीम संख्या से यानी कि कद से बड़ा होगा। तो वो क्या है कि वो साढ़े सती और ढैया का महादशा का स्वरूप होगा। इसी प्रकार से जब भी दो दिखाई दे, ढैया और साढ़े सती एक साथ आती है, ये आपकी इनके सबके स्वरूप है। आया समझ में? बोलो शंकर भगवान की जय। कहाँ है दर्द बताइए जरा। चल, ये 10 साल की लीला होती है।